अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप थ्योरी एंड आवर टॉपिक इज ट्रांसपोजिशंस इन परम्यूटेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट माय एवरी न्यू इनकमिंग वीडियो। So let's start transposition. First of all, we see definitions. A cycle of length 2 is called transposition. क्या मतलब है कि हमारे पास एक साइकिल जिसकी लेंथ कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन कहलाता है। साइकिल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि साइकिल क्या होता है। एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ कितनी हो, 2 हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक परम्यूटेशन है ए बी एंड बी ए, वेयर ए एंड बी आर इंटरचेंज बाय दिस परम्यूटेशन एंड अदर एलिमेंट्स रिमेन फिक्स्ड इज़ अ ट्रांसपोजिशन। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ सिर्फ 2 हो, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और बी ए, यानी कि ये ए से स्टार्ट और ए पे ख़त्म, इसकी लेंथ टोटल कितनी है? 2 है। तो ये ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, वो क्या कहलाता है? हमारे पास ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड 2 थ्योरम हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है कि एवरी साइक्लिक परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of transpositions। हर साइक्लिक परम्यूटेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी कि आपके पास कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन है या आपके पास कोई भी साइकिल है, उसे लिखा जा सकता है ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पे। फ़र्ज़ करें, सपोज़ यहाँ पे मैं एक मिसाल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्फ़ा एक ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 2 3 1। अब इसी चीज़ को मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, किसके 1 2 2 1 एंड 1 3 3 1। बेशक आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 2 2 1 ये एक ट्रांसपोजिशन है और 1 3 3 1 ये एक और ट्रांसपोजिशन है। तो मतलब क्या है कि हमने परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के तौर पे लिख लिया है, इसका ये मतलब है। सिमिलरली अगर हम इसको मोर जनरलाइज करें तो हमारे पास है कि एवरी परम्यूटेशन, पहले हमने बात की साइक्लिक की, अब क्या है एवरी परम्यूटेशन और उसकी डिग्री कितनी हो, ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। यानी कि अगर मोर जनरलाइज फॉर्म में हम देखें तो हर परम्यूटेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, एन हो, उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, उसको हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। ये 2 थ्योरम इससे रिलेटेड थे। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन।
और वो है हमारे पास इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास अ परम्यूटेशन अल्फ़ा इन एस एन, ये एस एन के एसिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन है, इज़ सेड टू बी एन इवन परम्यूटेशन इफ़ इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एन ऑड परम्यूटेशन। तो इवन परम्यूटेशन किसे कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी परम्यूटेशन जिसको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट पे लिख सकें, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकें, ऐसी परम्यूटेशन को हम कहते हैं इवन परम्यूटेशन। और अगर किसी भी परम्यूटेशन को हम ऑड नंबर के तौर पे लिख लें तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑड परम्यूटेशन। अब इवन परम्यूटेशन की एक तो एग्जांपल हम लेंगे ताकि ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ करें हमारे पास ए कोई परम्यूटेशन है 3 3, और आपको पता है ये कौन सी परम्यूटेशन है, ये आइडेंटिटी है। ये क्या है, आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी की जो डीकम्पोजिशन है एज अ ट्रांसपोजिशन वो हम नहीं कर सकते, यानी कि ये आइडेंटिटी है तो इसको जितना भी मैं लिखूं ये फिर भी आइडेंटिटी रहेगी। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन वो क्या है, 0 है। और 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास इवन नंबर है। तो इसका क्या मतलब है कि 0 हमारे पास इवन नंबर है, ट्रांसपोजिशन की तादाद 0 0 हमारे पास इवन नंबर, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो गया, देन आई इज़ एन इवन परम्यूटेशन। हमने यही कुछ पढ़ा था कि हम जो है इवन परम्यूटेशन ऐसी परम्यूटेशन होती है जिसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पे लिख लें। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो गई, इवन परम्यूटेशन होगी। एक और एग्जांपल हम लेंगे, सपोज हमारे पास ये कोई परम्यूटेशन है बी, और इसको ये क्या है 1 2 3 4 2 1 4 3, ठीक, ये हमारे पास परम्यूटेशन है। इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है। तो हम इसको ज़रा डिकम्पोज करते हैं, और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 2 1 3 4 4 3। अब यहाँ पे देखें कि ये भी हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन है और ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है। अब कितनी ट्रांसपोजिशन हो गई, तो एक ये और एक ये, यानी कि इसको मैं T1 कहूँगा, इसको मैं T2 कहूँगा। अब देखें 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका यही मतलब है कि देन बी इज़ एन इवन परम्यूटेशन, बी इज़ एन इवन परम्यूटेशन। और सिमिलरली हम जो है ऑड परम्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे, तो ऑड परम्यूटेशन क्या होगी, इसकी भी हम मिसाल ले लेते हैं। एक तो ये अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड हैं तो उनका जो प्रोडक्ट के तौर पे जो भी परम्यूटेशन हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, ऑड परम्यूटेशन होगी। इसकी एग्जांपल एक लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4 1, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, ये हमारे पास एक परम्यूटेशन है। अब देखते हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिखी जाएगी 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1 2 1 3 1 4। अब देखें कि ये हमने इसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट पे तो लिखा, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन कितनी है,
ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी ट्रांसपोजिशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हमने तीन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा। तो चूंकि थ्री हमारे पास 1, 2, 3 आर नंबर है, तो आर नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे जिस भी परम्यूटेशन को हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होती है, ऑड परम्यूटेशन है। सो सी इज एन ऑड परम्यूटेशन। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम सी बात जो कि आपने नोट करनी है कि हमारे पास एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑड परम्यूटेशन। हमारे पास हर ट्रांसपोजिशन जो है वो क्या होगी, ऑड परम्यूटेशन होगी। यानी कि फ़र्ज़ करें ये एक ट्रांसपोजिशन है 1, 2, 2, 1, तो ये हमारे पास डी को परम्यूटेशन है 1, 2, 2, 1, जो कि हमारे पास ट्रांसपोजिशन भी है। तो देखें इसको डीकम्पोज कैसे करेंगे, इसको डीकम्पोज बस ये फाइनल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें ट्रांसपोजिशन जो है वो उसका नंबर क्या है, सिर्फ हमारे पास एक है और एक ट्रांसपोजिशन जो है वो क्या होती है, ऑड होती है। तो ये हमारे पास डी क्या बन गई, डी इज़ ऑड परम्यूटेशन। डी क्या है हमारे पास, ऑड परम्यूटेशन। ये यहाँ पे फाइनल हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद हमने देखना है कि एक डेफिनेशन है हमारे पास अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन। ये क्या है हमारे पास, द ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस द ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन of n symbols denoted by an is called alternating ग्रुप ऑफ डिग्री एन। अब अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन है क्या, कि इवन परम्यूटेशन का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा डिग्री एन का। यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इवन परम्यूटेशंस होंगी। असल चीज़ ये है, इसमें सारी क्या होंगी, इवन परम्यूटेशन होंगी। इसका जो सेट होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग ग्रुप। उसे डिनोट किससे करेंगे, ए एन से डिनोट करेंगे। और अगर हमारे पास इफ़ एन ग्रेटर देन वन, यानी कि एक की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, देन ऑर्डर ऑफ ए एन इज एन फैक्टोरियल बाय टू। इसका जो ऑर्डर होगा अल्टरनेटिंग ग्रुप का वो क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाय टू होगा। अब इसके बाद जो है हमारा जो है ना वो लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। यहाँ पे हम परम्यूटेशन को क्लोज करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन।
अब ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन है क्या लेटा अल्फा बीटा परम्यूटेशन इन एस एन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन ऑर्डर ऑफ अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट अल्फा एम इज इक्वल टू आई वेयर आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने कोई भी परम्यूटेशन लेनी है और उसका फिर ऑर्डर लेते जाना है, यानी कि अल्फ़ा हमने कोई भी परम्यूटेशन ली है उसको हम फिर अल्फ़ा स्क्वायर निकालेंगे, अल्फ़ा क्यूब निकालेंगे, अल्फ़ा फोर निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पे आके वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, वो जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, जो उसकी अल्फ़ा की पावर होगी, वो हमारे पास क्या होगा, उस परम्यूटेशन का ऑर्डर होगा। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो क्या है, 1 2 3 2 3 1। अब सबसे पहले हम अल्फ़ा स्क्वायर इसका फाइंड करें, तो देखते हैं ये बिल्कुल वैसे आ जाएगा और इसको भी वैसे ही लिख देंगे। तो इसकी प्रोडक्ट हमने पहले पढ़ ली है, 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1 and 3 1 1 2, ये इसका क्या आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। ये आइडेंटिटी नहीं बना तो हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे, अल्फ़ा 3 निकालेंगे और वो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर इनटू अल्फ़ा। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 3 1 2 है, और सिमिलरली हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, 1 2 3 2 3 1 2 3 1। इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, 1 2 3। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन जो है, ये एक पूरा इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, अगर किसी को प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन का नहीं पता तो आप वहां से देख सकते हैं। 1 3 है, 3 के नीचे क्या है, 1 है। सिमिलरली 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे क्या है, 2 है। सिमिलरली 3 मैप कर रहा है 2 पे और 2 मैप कर रहा है 3 पे, तो आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब है ये क्या है, आइडेंटिटी है। अल्फ़ा क्यूब जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज 3, यानी कि 3 के ऊपर जो है ये आइडेंटिटी बनाए, तो इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 है। इसी तरह एक बहुत ही अहम चीज़ के ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 2, यानी कि जो भी ट्रांसपोजिशन होगी उसका ऑर्डर हमारे पास हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। यहाँ पे मैं आपको एक फ़र्ज़ करें, एक हम ट्रांसपोजिशन लेते हैं, ओके, ए बी बी ए, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है। इसका ज़रा बीटा स्क्वायर हम ले लेते हैं, ए बी बी ए एंड ए बी बी ए, तो क्या होगा यहाँ पे कि ए बी पे मैप कर और बी ए पे, तो ये आ जाएगा। इसी तरह बी ए पे और ए बी पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, वो 2 होगा। इसके बाद एक जनरल सी एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये तो छोटे छोटी परम्यूटेशंस थी जिनको हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके बाद जो है कोई हमारे पास बड़ी ट्रांसपोजिशन भी आ सकती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
11, 12, ठीक है। इस टाइप की एक परम्यूटेशन हमारे पास आ जाती है लेंथ ही, तो इसमें जो है ना हम बार बार ज़रबे नहीं दे सकते। इसका क्या है, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 7, 9 एंड 6, 5, 8 एंड 11, 12, 11, 10 ये हमारे पास एक जो है वो परम्यूटेशन है। और चूंकि अब हम इसकी ज़रब देना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी परम्यूटेशन आ गई, इससे ज़्यादा और भी बड़ी आ सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको साइकल्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, ये देखें यहाँ तक एक पूरे का पूरा साइकिल बन रहा है। 1, 2, 3, 4 पूरा का पूरा साइकिल है। 1, 2 पे, 2, 3 पे, 3, 4 पे, 4, 1 पे मैप कर रहा है, ये एक साइकिल है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब सिमिलरली हम और साइकिल ढूंढेंगे, 5, 7 पे मैप कर रहा है, 7, 6 पे और 6, 9 पे और 9, 8 पे, 8, 5 पे। कहने का क्या मतलब है कि ये एक और साइकिल है हमारे पास, 5, उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 8। ये हमारे पास एक साइकिल बन गया। आप फिर से देखें, 5, 7 पे, 7, 6 पे, 6, 9 पे और 9 मैप कर रहा है 8 पे और 8 मैप कर रहा है 5 पे, तो ये एक और साइकिल बन गया। अब हमारे पास 3 बच्चे हैं, 10 मैप कर रहा है 12 पे और 12, 10 पे, ये एक और साइकिल है। और साथ में आइडेंटिटी है हमारे पास, 11, 11 पे मैप कर रहे, तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को जो है वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि उससे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1, 2, 3, 4 सिमिलरली 5, 7, 6, 9, 8 एंड 10, 12 ये हमारे पास कितनी है, 3 परम्यूटेशंस हैं। अब हमने करना क्या है कि जितनी भी हमारे पास परम्यूटेशंस आ गई हैं इनका आर्डर लिखना है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ परम्यूटेशन वो बराबर होती है आर्डर ऑफ परम्यूटेशन, आर्डर ऑफ परम्यूटेशन के। तो देखें जी, सॉरी, ये यहाँ पे बात हम साइक्लिक परम्यूटेशन की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन की जो लेंथ है वो उसके आर्डर के बराबर होती है। तो देखें, इसको इसकी लेंथ 4 है तो इसका आर्डर क्या होगा, 4 होगा। इसकी लेंथ 5 है तो इसका आर्डर 5 है। इसकी लेंथ 2 है तो इसका आर्डर 2 है। आप देखें कि ये जितने भी हमारे पास आर्डर आए हैं, एक 4 आया है, एक 5 है और एक 2 है, इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4, 5 और 2 का हमारे पास क्या होता है, 20 होता है। इनका एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो 20 का क्या मतलब हुआ कि अब जो इसका आर्डर है इस अल्फ़ा का, वो हमारे पास क्या होगा, 20 होगा। आर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ 20। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब हम इतनी लेंथी परम्यूटेशन को ज़रबे नहीं दे सकते, साफ ज़ाहिर है। अब 20 आर्डर का क्या मतलब है, 20 आर्डर का मतलब है कि इसे 20 मरतबा ज़रब दी जाती, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमने करना क्या है कि इसे साइकिल की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, साइकिल की फॉर्म में लिखना है। और जब साइकिल्स लिखे जाएंगे तो उनका आर्डर लेंगे, आर्डर को लेके उनका एलसीएम लेंगे, तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आर्डर होगा। अब यहाँ पर जो है लास्ट में मैं इसी चीज़ को वर्डिंग में लिख रहा हूँ बड़ी ध्यान से, कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशंस
ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ फिनाइट सेट रिटन इन डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म इज एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ साइकल्स। देखिए वो कहता है कि कोई भी फिनाइट परम्यूटेशन का आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उन्हें डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखना है। जब आप उसे डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख लें, फिर उनकी जो लेंथ होती है साइकिल की उनका आपने एलसीएम लेना है। जो जवाब आएगा वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन होगा। तो काफ़ी हद तक हमने परम्यूटेशन को कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर 3 लेक्चर हो चुके हैं, बाकी 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे रिलेटेड, परम्यूटेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।